Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. Okay, so hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So guys, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में guys, मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ जिस टाइप की रील वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा. सो गाइस उस टाइप की रील एडिट करने के लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वीएन एप्लीकेशन की. एंड गाइस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गाइस आप प्ले स्टोर पर जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो. एकदम फ्री एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना. एंड गाइस आप लोगों को जो एक एक स्टेप आप सबको ध्यान से देखना है. एंड गाइस किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है. एंड गाइस अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो तो गाइस आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी यार वीडियो गाइड करने में. बाकी गाइस आप वीडियो कंप्लीट देख लेना, बाकी सब कुछ आपको इजीली समझ आएगा. एंड गाइस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको एकदम अच्छे तरीके से. तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना. और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो. बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि गाइस आप लोग को यहाँ पे जब वीएन एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है, तो उसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ. एंड गाइस यहाँ पे ओपन करने के बाद जो है गाइस आप जब इसको ओपन करोगे तो कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा. आपको सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है. एंड गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा. आपको गाइस मैं एक वीडियो की लिंक दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है. आपको उस वीडियो को डाउनलोड करके आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है. यहाँ पे गाइस देखिए जहाँ पे आपकी जो फोटोज स्टार्ट होंगी, ठीक है, जिसकी ये फोटो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो गाइस आप हल्का सा पीछे करना है. वहाँ से आप सभी को जो कट कर देना है, ठीक है, बीच में से कट कर देना है, क्योंकि गाइस आगे तो आपको फोटोज लगानी है ना, तो इसको कट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है. लास्ट के जितने भी ले रहे हो सबको डिलीट कर देना है. फिर आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके गाइस यहाँ पे जो आप सभी को अपनी फोटोज को ऐड कर लेना है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं फटाफट फोटो को उसको ऐड कर लेता हूँ. अब गाइस जब आप फोटोज़ को यहाँ पे ऐड कर लोगे तो गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है यहाँ पे. अब देखिए गाइस यहाँ पे जो आप सभी को जो ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको म्यूजिक का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एक बार. एंड इसके बाद आपका म्यूजिक वाला ऑप्शन लेना है. आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है. एंड यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सिंपली आपको वीडियो एक्सटेंडेड क्लिक कर देना है. एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी. एंड जो गाइस आपने वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड किया गाइस आपको सिंपली इसको यहाँ पे ओके कर देना है. एंड उस पर क्लिक करके एंड वो जो म्यूजिक उसका बन के यहाँ पे आ जाएगा आपको, तो सिंपली आपको यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लेना है. एंड गाइस जब आप म्यूजिक ऐड कर लोगे तो गाइस आपके सामने जो एक कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा. पहले जो स्टार्टिंग है जो बीप होंगी वो आएंगी. एंड इसका जो म्यूजिक होगा आपको गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब कि म्यूजिक की जो बीप जहाँ जहाँ पे स्टार्ट हो रही है आपको सिंपली वहाँ पे जो अपनी फोटो को कट कर देना है. मतलब कट नहीं, आपको ऐसे छोटा कर देना इस तरीके से, ठीक है. कट चाहो तो कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है. बट आपको जो यहाँ पे बीप तक ही आपको अपनी फोटो को रखनी है. अब गाइस देखिए यहाँ के मतलब कि मैं आप लोगों को म्यूजिक तो सुना नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं म्यूजिक सुनाऊंगा तो यार आप लोगों को पता ही यार यूट्यूब यार काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम दे देता है अगर हम कुछ म्यूजिक वगैरह अगर कुछ सुनाते. तो प्लीज़ यार भाई इसको यार थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आज मैं म्यूजिक नहीं सुना सकता. उसके लिए मैं खुद से माफी चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है. तो गाइस आप समझ सकते हो अगर आप क्रिएटर हो तो. बाकी गाइस देखिए अब यहाँ पे जो है मैंने मतलब म्यूजिक पे जो है मतलब यहाँ पे मैंने म्यूजिक के पास जो है मतलब फोटोज़ को ऐड तो कर दिया है. अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको जो मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट है वो भी डालना है. तो इफेक्ट आपको कौन सा डालना वो मैं बताता हूँ. फिर से पहले मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पे. सो गाइस देखिए अभी जो वीडियो है हमारी विदाउट इफेक्ट का देखिए गाइस कैसी लग रही है. बट गाइस इसमें जब हम इफेक्ट डालेंगे तो गाइस एकदम ऑसम लगी है हमारी यहाँ पे वीडियो. तो अभी क्या है कि हम पे जो इफेक्ट डालना है तो पहले हम इस वाली फोटो को लेंगे. एंड इस वाली फोटो को लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एफएक्स वाले एक ऑप्शन मिलेगा. आपको सिंपली उस पर चले जाना है, एकदम एंड में जाना है. एंड में जाने के बाद आपको ये वाला जो मतलब कि वाला जो फिल्टर है आपको एफएक्स आपको उसको लेना है. एंड इसी इफेक्ट को आपको अपनी पूरी जितनी फोटोज हैं आपकी सब में इसी इफेक्ट को अप्लाई करना, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है. आप चेंज करोगे तो गाइस मतलब ये कि अलग अलग लगाओगे तो यार मतलब वीडियो ना इतनी क्रिएटिव दिखती नहीं. तो आपको जो है मतलब एक इफेक्ट रखना आपको सभी फोटोज़ पे, ठीक है. तो मैं आप एक करके चेक कर रहा हूँ मतलब कोई बेस्ट लग रहा है कि नहीं लगा. बट अगर आपको इनमें से कोई और इफेक्ट भी बेस्ट लगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. मतलब जरूरी नहीं है कि आप मैंने जो आपको बताया वही यूज़ करो. आपको अगर कोई और बेस्ट लग रहा है इनमें से तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो मैं इसमें जल्दी से फटाफट मैं ये सभी फोटोज़ में अप्लाई कर देता हूँ, देन आपको बताता हूँ फिर क्या करना है आपको.
सो गाइस हमारा इतना काम तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब देखिए गाइस हमने इफेक्ट वगैरह सब कुछ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो एकदम अच्छे तरीके से एकदम एडिट हो चुकी है। तो अब गाइस इसको हम HD क्वालिटी में यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड गाइस हमारी जो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए जो ऐसे कंटेंट आते रहेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे किसी वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग पीस।